chemistry? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने नोमेनक्लेचर से जो है वो स्टार्ट किया था। हमने कल कुछ नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे। या तो पहले हमने ये जाना था कि सीक्वेंस क्या होती है किसी भी नाम की, ठीक है। तो पहले मैंने बोला था सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, उसके बाद आपका जो है वो वर्ड रूट होता है, फिर प्राइमरी सुफिक्स होता है, एंड देन सेकेंडरी सुफिक्स होता है। और ये चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिखा भी चुकी हूँ। फिर हमने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्केन या सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहला जो रूल पढ़ा था, थोड़ा सा अगर मैं इनको जो है रिवाइज करवाऊं, पहले हम क्या करते हैं किसी भी अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर उसका आपने नाम देना होता है, हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट करनी होती है। पेरेंट चेन वो वाली चेन होती है जिसमें आपके पास क्या होते हैं, हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे लंबी वाली चेन और कंटिन्यूअस चेन जो होती है वही होती है पेरेंट चेन। फिर अगर आपके पास एक से ज्यादा ऐसी कार्बन चेन है जो इक्वल लेंथ की है, तो वो वाली पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो अगर आपके पास 6 कार्बन एटम वाली चेन है वही लॉन्गेस्ट है और 2 चेन है, अगर एक में आपके पास 2 सब्सट्रेट आ रहे हैं और एक में आपके पास एक ही सब्सट्रेट आ रहा है, तो आपने वो 6 कार्बन एटम वाली चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास 2 नंबर ऑफ सब्सट्रेट प्रेजेंट होगी। That is, if more than one longest chain of containing more than one longest chain are available, then that chain is considered as a parent chain which contain maximum number of substrate या more number of substrate, ठीक है। Number third हमने ये बोला था हम जो है वो numbering करते हैं, parent chain को पहले select किया बाद में उसकी numbering करते हैं। Numbering इस तरह से करनी है that the carbon containing substrate will get the lowest possible number. सपोज यहाँ पे मेरे पास मिथाइल प्रेजेंट है, मैं यहाँ से चल रही हूँ 2 नंबर आ रहा है, यहाँ से चल रही 4 नंबर आ रहा है, तो यहाँ से चलने पे 2 नंबर दैट इज लीस्ट नंबर मिल रहा है, मेरी ये वाली नंबरिंग क्या होगी करेक्ट होगी। फिर हमने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं उस केस में आप सेट ऑफ लोकेट देते हो, सेट ऑफ पोजिशन देते हो, फिर उन सेट ऑफ लोकेट को आप क्या करते हो कंपेयर करते हो, और जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है वो देखते हो, जिसका कम होता है वही आपकी क्या होती है करेक्ट नंबरिंग होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका जो रूल आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास सपोज इसमें जो है एक मैं सेट ऑफ लोकेट रूल में जो है मैं एक एग्जांपल और आपको दे देती हूँ, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास है CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, then CH3। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको इसमें सिलेक्ट करना है पेयर चेन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से चलने पे 5 कार्बन एटम वाली चेन, और सब्सट्रेट कितने हैं 1, 2, 3, साइड चेन 3 है। मैं यहां से करूँ ना तभी मेरे पास साइड चेन 3 रहेगी, मैं यहां से स्टार्ट करूँ तभी मेरे पास साइड चेन 3 रहेगी, इसका मतलब आप कोई भी जो सिलेक्ट कर सकते हो आपकी अपनी चॉइस। अब दे दो नंबरिंग, पहले चेन सिलेक्ट होगी, सेकेंड क्या होता है नंबरिंग, यहां से दे दी 1, 2, 3, 4 and 5, किस पोजीशन पे आ रहा है, आप बोलोगे 2 ही खाली है, नहीं 2 पोजीशन पे तो 2 मिथाइल है, इन दोनों की पोजीशन आपने मेंशन करनी है, इसका मतलब हम लिखेंगे 2 और 2, क्योंकि 2 पोजीशन है ना, एक पोजीशन 2 इसकी है, एक पोजीशन 2 इसकी है, दैट इज 2 2, और क्या है यहाँ पे और 4 है, ये आपके पास एक सेट ऑफ पॉकेट आ गया। अब नीचे से नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4 and 5, 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है, लेकिन 2 मिथाइल है, इसका मतलब इन दोनों मिथाइल की 4 4 पोजीशन है। अब इधर भी आपने सेटअप लोगे, आपने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया, आपने नंबरिंग दे दी, नंबरिंग के बाद क्या करते हो आप, आपने जब सेटअप लोकेट दे दिया, आप इन सेटअप लोकेट को आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, कंपेयर किया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में देख रहा है जो जिसमें लीस्ट नंबर होगा वही आपके पास करेक्ट नंबरिंग होगी। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नहीं, ये कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया। अब सेकंड देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे ये आ गया, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लीस्ट नंबर है 2 छोटा है 4 से, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी, दैट ऊपर वाली सही है नीचे वाली गलत है। ये होता है आपका सेट ऑफ लोकेट रूल, दैट अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं आप सेट ऑफ लोकेट देते हो, फिर उनको हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो छोटा नंबर होगा वही वाली नंबरिंग आपकी क्या होती है वो करेक्ट होगी। ये थे आपके पास दो रूल,
जो नेक्स्ट रूल होता है वो ये कहता है कि जब आपके पास सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं, देखो आपको ये तो पता है कि जो आपके पास पहले आता है आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले क्या आता है आपका प्रीफिक्स आ रहा है। साइक्लो तो कभी कभी प्रेजेंट नहीं होता है, इसका मतलब प्राइमरी जो आपका प्रीफिक्स होता है उसको हम जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट इज सब्सट्रेट जो होता है वो मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जो भी सब्सट्रेट जहां पे भी प्रेजेंट है, सपोज करो यहाँ पे टू पोजिशन पे प्रेजेंट है, चलो ये वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा ये वाला दूसरा रूल आ जाएगा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको। सपोज मेरे पास क्या है, सी एच थ्री है, फिर सी एच है, फिर सी एच थ्री है, फिर यहाँ पे सी एच है, जैसे जो आप दे दो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी। आप ये भी कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे भी करोगे तब भी एक ही जो है, इधर से करोगे तब भी एक आएगा, इधर से करोगे तब भी एक आ रहा है, यहाँ से करोगे तब भी एक आ रहा है, ठीक है। साइड से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दिया, नंबरिंग दे दो 1 2 3, यहाँ से करोगे 1 2 3, टू पोजिशन पे, यहाँ से भी मिथाइल यहाँ से भी मिथाइल, आपकी अपनी चॉइस है, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जब नाम लिखते हैं ना आप लोग, तो नाम में सबसे पहले क्या आता है आपका, सब्सट्रेट का नाम आता है, प्रीफिक्स का नाम आता है। लेकिन प्रीफिक्स के पहले हम क्या लेते हैं, इस वाले सब्सट्रेट का लोकेट भी लिखते हैं। ये टू पोजिशन पे प्रेजेंट है, हम लिखेंगे टू, फिर हाइफन करके हम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, जो भी आपके पास सब्सट्रेट होता है उसका नाम लिखते हैं। तो ये वाला रूल ये है कि बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ सब्सट्रेट इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन द लोकेट। आप लोग जो है वहां पे उसका जो है वो लोकेट भी जो है वो मेंशन करना है कि वो किस पोजीशन पे जो है प्रेजेंट है, टू पोजीशन पे प्रेजेंट है, थ्री पोजीशन पे है, या फिर फोर्थ पोजीशन है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे प्रीफिक्स द नेम ऑफ सब्सट्रेट, रूल नंबर आई गेस थर्ड है या फिर फोर्थ है, आपकी आई गेस फोर्थ है। प्रीफिक्स द नेम ऑफ सब्सट्रेट, prefix the name of substrate to the name of parent alkene and indicate its position by writing it before by writing it before the name of carbon atom carrying the substrate, the name of substrate ये आपको आसानी से जो है वो एनसीईआरटी पे भी मिल जाएंगे, या फिर आपके पास रिफ्रेशर होगा वहां पे भी ये रूल्स मिल जाएंगे। द नेम ऑफ सब्सट्रेट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लोकेट बाय हाइफन, दैट इज कोई भी सब्सट्रेट, आगे क्या आएगा आपके प्रोपेन आएगा, इसके नाम से पहले सब्सट्रेट का नाम आता है, प्रीफिक्स का नाम आता है, और इससे पहले उस प्रीफिक्स की पोजीशन भी आपने देनी है कि टू पोजीशन पे, थ्री पोजीशन पे, और इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, एक हाइफन लगा देना है, ये आपका नेक्स्ट रूल था, ठीक है। नाउ सपोज आपके पास एक और एग्जांपल है, मेरे पास है CH3, CH, CH3, CH2, CH, कर दो पेरेंट चेन सेलेक्ट, ये होगी यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि यहां से देने पे इसको 3 नंबर मिल जाएगा, सो ये वाली नंबरिंग आपकी क्या है वो करेक्ट है। अब सब्सट्रेट का नाम पहले आता है वर्ड रूट के, तो सब्सट्रेट सबसे पहले आएगा किस पोजीशन पे, टू पोजीशन, आप क्या लगाओगे, हाइफन लगाओ, फिर क्या नाम है इसका, मिथाइल, हो गया सब्सट्रेट का नाम। अब क्या आता है वर्ड रूट, चार के लिए क्या आता है ब्यूट, फिर लगा दो प्राइमरी सफिक्स, एन है, इन है, आइन है, ये क्या है आपका एन है, तो टू मिथाइल ब्यूटेन जो है वो इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा सब्सट्रेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल एक ली थी यहाँ, जो ऊपर वाली मैंने एग्जांपल ली थी, मैं उसी को लेती हूँ। सपोज मेरे पास एग्जांपल है CH3, 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 ये मेरे पास एक एग्जांपल है। जब मेरे पास क्या होता है CH3, CH2, यहाँ पे एक और CH लगा दो, इधर CH3 लगा दो,
जहाँ पे मैंने वो लोअर सेटअप लोकेट रूम वाली एग्जाम्पल ली, मैंने वही पहले एग्जाम्पल ली। अब देखो ये जो आपके पास है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपके पास कोई एक जो है वो सब्सट्रेट प्रेजेंट नहीं है। आपके पास कितने सब्सट्रेट प्रेजेंट है? आपके पास ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। एक काम करती हूँ मैं ये चलो ऐसे ही बोल देती हूँ, मैं पहले ऐसे ही बोल देती हूँ। जब आपके पास एक से ज्यादा सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं तो उनके लोकेट को आप सेपरेट करते हो बाय कॉमा से। जैसे यहाँ पर जो है वो आएगा, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 2 2 और 4 आएगा, यहाँ से चलने पे 2 4 4 आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। अब यहाँ पे आप 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर आप 4 लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 2 4, मतलब ये है, फिर जो है वो हाइफन लगोगे। मतलब ये है कि जब आपके पास एक से ज्यादा सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं तो उनके आप जो लोकेट होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा से, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल क्या है आपका? रूल है व्हेन मोर टू और मोर अल्काइल ग्रुप, रूल नंबर 5, व्हेन टू और मोर अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, द सेट ऑफ लोकेट्स आर गिवन एंड इन द नेम their locates are separated by commas, ठीक है। जब एक से ज्यादा जो है वो substrate present होते हैं तो उनमें हम set of locates देते हैं, जब नाम लिखते हैं तो उन locates को हम जो है वो commas में जो है वो लिखते हैं। For example, इसकी example मैं लेती हूँ। Suppose करो आपके पास है CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, then CH2, then CH2 and then CH3, ठीक है। ये आपकी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग, यहाँ से जैसे 2 आएगा, यहाँ से जैसे देखो 4 आएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग करेक्ट, ठीक। अब 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे मेरा इथाइल है, ठीक है। अब पहले नाम किसका आता है? चलो इसके साथ ही मैं एक और दे देती हूँ, इसमें लिखो आप, जब आपके पास क्या होते हैं, आपके पास सब्सट्रेट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सब्सट्रेट प्रेजेंट है, और जो सब्सट्रेट है अल्फाबेटिकली जो पहले आता है ना उसका नाम जो है वो पहले आता है, सिंपल सिंपल। यहाँ पे आपके पास जो इथाइल ग्रुप है, ठीक है, वो 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑल्दो लोकेट जो है वो हाई है, लेकिन ई पहले आता है, एम मिथाइल वो जो है वो कहाँ आता है? वो बाद में आता है, ठीक है। तो इनके हम जो नंबर है, मैं ऐसे लिखूंगी 2 मिथाइल 3 इथाइल, नहीं, पहले क्या लिखूंगी? 3 इथाइल, फिर क्या लिखूंगी? अच्छा एक सेकंड, ये मैंने जो एग्जांपल दे दी ना वो मैंने आपको दूसरे रूल की दे दी, इसमें आपको मैं अपनी वाली एग्जांपल देती हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी नहीं। सपोज करो मैं लिखती हूँ CH3, CH, CH3, then again CH3, then CH2, CH, CH3, then CH2, CH, C2H5, then CH3। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कोई एक सब्सट्रेट प्रेजेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्सट्रेट प्रेजेंट है। यहाँ से नंबरिंग होगी, खाली यहाँ से दोगे कि यहाँ से चले पे तो 2 आएगा, चलो नंबरिंग दे देते हैं, चलो इधर से देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक, ये हो गया। इसमें ये वाली नहीं आएगी, मैंने ऊपर जो है CH के ऊपर C2H5 लिखा है, फिर यहाँ पे CH3 लिखा है, तो ये वाली आएगी जी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ चलने पे 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है, ये लंबी चेन। C2H5 को ऐसे लिखते हैं, CH2 और CH3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5, देन 6, देन 7 एंड देन 8। यहाँ से देने पे लोकेट क्या आ रहा है? 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 4 पोजीशन पे 1 मिथाइल है, और मेरे 6 पोजीशन पे 1 और मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक।
और यहाँ से चले पे 1, 2, 3 पोजिशन आ रही है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही आ रहा है, ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब पेरेंट्स ने सिलेक्ट की, नंबरिंग दे दी। नंबरिंग के बाद क्या करना है आपने, जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो उनके जो लोकेट होते हैं उनको हम कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा आपके पास 2 पोजिशन आएगी, फिर 2 पोजिशन आएगी, फिर यहाँ पे 4 पोजिशन आएगी, फिर आपके पास 6 पोजिशन आएगी, फिर हम जो है वो क्या लिखते हैं, वो बाद की बात में टेट्रा वगैरह लिखते हैं जो कि मैंने सिमिलर लिखी है, ठीक है। तो मैं खाली ये बोलना चाहती हूँ आपको कि जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनका जो लोकेट होता है उनको हम जो है वो कॉमा से जो है वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, बिफोर राइटिंग द नेम। उसके बाद चलो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, सिक्स वाले के पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नंबरिंग कहाँ से होगी, जाहिर सी बात है यहाँ से होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग भी होगी, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग भी दे दी। अब नाम किसका आता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का आता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये भी है। अब किसका नाम पहले दोगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले आता है। ये इथाइल है, ये क्या है, ये मिथाइल है। अब ये ई से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टी, उसके बाद क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, क्योंकि जब आप लोकेट और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है उनके बीच में क्या होता है, एक हाइफन होता है। तो 3 के बाद क्या आएगा आपके पास, इथाइल, उसके बाद फिर से एक हाइफन लगाओ, फिर क्या आएगा आपके पास 2 के बाद फिर से हाइफन आएगा, 2 मिथाइल। उसके बाद अब चलो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, अब वर्ड रूट देखो, 6 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स। अब एन है, एन है, एन है, दिस इज एन, इसका आएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। तो क्या बोलता है रूल, रूल लिखो, व्हेन, इधर लिखते हो, व्हेन टू डिफरेंट, टू और मोर अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन, ईच अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स्ड बाय इट्स लोकेट is arranged in alphabetical order, is arranged in alphabetical order before the name of parent. Each substituent is prefixed on the basis of alphabetical order before the name of parent. तो alphabetically जो पहले आएगा उसका नाम पहले देना है और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में देना है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, ये मैं लास्ट पे एक एक करके जो है वो सारे बोलूंगी कि क्या क्या रूल है इसका। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि चलो आप मान के चलते हैं कि यहां से चलने पे भी आपको जो है वो लोकेट 2, 3 आ रहा है, यहां से चलने पे भी आपके पास आपके जो लोकेट आ रहा है वो 2, 3 आ रहा है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट लोकेट्स आ रहे हैं, यहां से भी 2, 3, यहां से भी 2, 3, अब कौन सा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछी नहीं, इधर से भी 2, 3, उधर से भी 2, 3। फिर आपने करना क्या है कि आपने वो वाली नंबरिंग को करेक्ट मान के चलना है जिसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो जो है उसको नंबर कम मिले। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3, CH2 एंड CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपकी क्या है, दिस इज योर पेरेंट चेन। नाउ यहाँ से देखो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7। 3 पोजीशन पे इथाइल है, देन 5 पोजीशन पे मिथाइल है। अब नीचे से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे भी 3 पोजीशन पे मिथाइल है एंड 5 पोजीशन पे इथाइल। 3, 5, 3, 5, सटल लोकेट्स आर सिमिलर, कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब हमने देखना है कि 3 किसको है, अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, अगर जिस वाली अरेंजमेंट में, जिस वाली नंबरिंग में अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको 3 नंबर अगर मिल रहा है, वो वाली नंबरिंग क्या है आपकी, करेक्ट है। ये इथाइल है, जिसे मिथाइल, ये पहले आता है एम बाद में आता है। इस वाली नंबरिंग में, ऊपर वाली नंबरिंग में 3 पोजिशन किसको आ रही है, इथाइल को आ रही है, तो ऊपर वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी, नीचे वाली क्या होगी, वो इनकरेक्ट होगी। दैट इज रूल क्या सजेस्ट करेगा, वेल टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स
when two different alkyl groups are present at equivalent position, देखो यहाँ पे equivalent position, then that numbering is correct where the substituent which come first in the alphabetical order will get the lowest possible number. So हम क्या लिखेंगे, when two different alkyl groups are present at equivalent position, then that numbering is correct where the substituent, where the carbon containing substituent which comes first in the alphabetical order, in the alphabetical order will get the lowest number, will get the lowest number. So लेकिन तभी इस्तेमाल करना जब equivalent locate आए. जब इक्विवेलेंट लोकेट आते हैं उस केस में आपको जो है वो वाला लोकेट सिलेक्ट करना होता है जिसमें कार्बन कंटेनिंग सब्सट्रेट, वो वाला सब्सट्रेट जो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको जो है वो कम नंबर मिले वो आपकी सही नंबर होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास क्या है, एक से ज्यादा सब्सट्रेट प्रेजेंट है और सिमिलर टाइप के सब्सट्रेट प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी वही एग्जांपल दिया कॉमर्स वाली, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया, दैट इज when two or more, इसमें लिखो next, when two or more similar alkyl groups are present, then the suitable prefixes like di, tri, tetra, etcetera are used. Simple. दो alkyl group present है, two or three position पे, हाँ लिखेंगे two three di. दो के केस में di लिखेंगे, तीन के केस में tri लिखेंगे, चार के केस में tetra लिखेंगे. Suppose CH3, CH, CH3, CH, CH2 and CH3. ये parent chain. नंबरिंग इज से 1 2 3 4 5, बिकॉज यहां से चलने पे 3 होती है, यहां से चलने पे 2 आ रहा है. फिर पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग दे दी, अब नाम आता है सब्सट्रेट का, ये दो सब्सट्रेट है किस किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे. तो मैंने क्या बोला था कि जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनके जो लोकेट होते हैं उनको हम जो है वो किससे जो है सेपरेट करते हैं, बाय मीन्स ऑफ कॉमास. फिर आएगा आपके पास एक हाइफन, अब क्या आएगा, दो सिमिलर है तो मैं क्या लिखूंगी, डायमिथाइल. बस सब्सट्रेट का नाम हो गया. वर्ड रूट देखो, पास के लिए आता है पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स सेटिस आएगा आपके पास. तो जब आपके पास एक से ज्यादा सिमिलर टाइप का एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, वहां पर आपको जो है वो डाई ट्राई टेट्रा का जो है वो इस्तेमाल करना होता है. डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ सिमिलर सब्सट्रेट प्रेजेंट. अब लास्ट इसमें जो रूल आता है, बड़े रूल्स को आपने जो है वो याद रखना है, खाली याद रखना है, आपने याद करना नहीं है. ठीक है, याद रखना है कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होगी आप उसको जो है वो और भी कंपाउंड्स में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. मैं आपको 100 एग्जांपल्स भी दूं, आप उनको जो है जब को पता ही नहीं होगा रूल क्या क्या है. एक चीज होता है कि किसी चीज को मगअप करना, ये चीजें आपको जो है वो क्या करनी है, मतलब खाली लेनी है. ठीक है, आपको समझना है कि रूल क्या क्या बोल रहा है, याद रखना है, आपने लाइन बाय लाइन जो है उसको याद नहीं करना है, क्रैमिंग नहीं करना. नाउ नेक्स्ट जो है वो लास्ट रूल क्या है इस केस में, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. एग्जांपल है CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, then CH3, ऊपर है फिर से CH2, CH, CH3, then CH3. अब इसमें लास्ट रूल कहता है कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट के बारे में. कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट क्या होता है, देख पहली चीज तो ये आपके फॉर्मेटिक कंपाउंड है, क्या करते हैं सबसे पहले आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ कार्बोनेट बनी चाहिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 गार्ड होने वाली चेन, तो कौन सी लोग है? नहीं सी बात है, ये वाली लोग है, सबसे लंबी वाली चेन होती है जो पेरेंट चेन। नाउ नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किस पोजीशन पे है? आपके पास लोकेंड आएगा 2, आपके पास लोकेंड आएगा 3, और ये पूरा सबस्टिट्यूएंट है, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का मतलब एक ऐसा सबस्टिट्यूएंट जिसके अंदर खुद ब्रांचिंग होती है, ये पूरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह जो है वो क्या होता है, एक सबस्टिट्यूएंट होता है। ये सबस्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें खुद एक साइड चेन जो है वो प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। ये किस पोजीशन पे है? ये 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है। आप इधर से देखेंगे 1 2 3 4, यहां पे तो 5 आएगा, 2 यहां पे आएगा, 5 यहां पे आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी देख रहे हो, तो ये वाली जो मैंने नंबरिंग दी है वो बिल्कुल वो करेक्ट है। चलो पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर दिया हमने, जो है वो नंबरिंग भी दे दी। अब क्या करना होता है? अब जो है सबसे पहले नाम देना होता है सबस्ट्रेट का। मुझे इसका नाम पता है मिथाइल, मुझे इसका नाम पता है मिथाइल, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता है इसका नाम क्या है। ठीक है, सपोज मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जिसके इस केस में क्या है, चलिए ये तो पता है कि 3 कार्बन एटम वाली जो है वो प्रोपाइल से स्टार्ट होती है, पी से स्टार्ट होती है, तो अल्फाबेटिकली देख रहे हो कि मिथाइल पहले आएगा, एम पहले आता है, पी बाद में आता है। ठीक है ना, 3 कार्बन एटम वाली चेन, उसका जो भी नाम हो पी से ही स्टार्ट होगा ना। ठीक है, तो मिथाइल पहले आएगा किस पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे। जब दो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनके जो नाम होते हैं उनके लोकेट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, करते हैं बाय मींस ऑफ कॉमा। हम क्या लिखेंगे, 2, 3, फिर एक क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल लिखेंगे। डाई मैंने इसलिए लगाया बिकॉज मेरे पास क्या है, सिमिलर टाइप के अल्काइल ग्रुप है, दैट इज सिमिलर टाइप का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर एक और हाइफन लगाएंगे, अब हमें इस वाले सब्सटेंट का जो है वो नाम देना है। ठीक है, इस सब्सटेंट का नाम जो है वो हम कैसे देंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो आपके पास चेन होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का, वो वाला कार्बन जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम नंबर 1 लेते हैं, फिर उसका दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा वाला। ये चीज हमेशा याद रखना, ये सेटअप लोकेट रूल को जो है वो फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। आपने सिंपल एक चेन को सिलेक्ट करना है, जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो नाम देते हो वैसे ही आपने यहाँ पे सब्सट्रेट का भी नाम देना है, लेकिन नंबरिंग जो है उस वाले कार्बन से करनी है जो डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन के साथ जुड़ा है। आप किस पोजिशन पे सबसे पहले, ये किस पोजिशन पे प्रेजेंट है, 5 पोजिशन पे प्रेजेंट, तो हम क्या लगाएंगे, बाहर से 5 लगाएंगे, फिर एक और डैश लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट लग जाएगा, फिर ब्रैकेट के बाद क्या करोगे आप, अब इसका नाम अगर मैं बोलूं कि ये चीजें आपके पास प्रेजेंट नहीं है खाली ये चीज प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलोगे। ठीक है ना, आप बोलोगे कि ये इसकी जो है वो पेरेंट चेन है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल और आएगा आपके पास नाम इसका प्रोपेन। वही चीज यहाँ पे भी करोगे, दैट इज जैसे आप नाम देते हो जनरली वैसे ही नाम देना है, लेकिन लास्ट पे ए नहीं लगाना है, लास्ट पे आपने जो है वो एन लगाना है, क्योंकि सब्सटेंट के लिए एल्केन नहीं आता, एल्काइल आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब आता है प्रोपेन, अगर ये इतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ना, मेरे पास होता CH2CH, फिर होता CH3 और फिर होता CH3, मैं बोलती ये पेरेंट चेन है 1 2 3, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो मैं लिखती 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जो साइड चेन है, साइड चेन के लिए अल्काइल आता है, इसका मतलब हम प्रोपेन नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। वैसे अगर 6 कार्बन एटम वाली होती तो आप हेक्साइल लिखते, 5 वाली होती तो आप पेंटाइल लिखते। ठीक है, ये नाम हो गया सब्सटेंट का नाम जो है वो आ गया, ये इसका नाम भी आ गया, इसका नाम भी आ गया, इसका नाम भी आ गया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट में वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होता है पेरेंट चेन के साथ उसको हम नंबर 1 देते हैं, फिर जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हो वैसे ही अपने नाम देना। और चीज याद रखना, सब्सटेंट के नाम में और जो बॉन्ड ग्रुप होता है उनके बीच में जो है वो कोई भी गैप नहीं होता है। तो आपने एक सिंपल स्टार्ट करना है नाम, कोई हाइफन यहाँ पे नहीं लगाना है। हाँ, विद इन अगर आपके पास सब्सटेंट होते हैं उनको हम जो है हाइफन से जो है वो सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड रूट नाउ के लिए क्या आता है, ननी, कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, सिंपल नन। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट आ गया नन, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, अब आएगा प्राइमरी सुफिक्स, एन है, एन है या फिर आइन है, इस पूरी कार्बन चेन में खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, ननीन आएगा। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द पेरेंट चेन इज गिवन नंबर 1, और वैसे ही करके आपने जो है वो नाम देना है। तो अगर हम नर्सल में फिर से देखेंगे ये रूल्स जो है वो क्या बोलते हैं, रूल में सबसे पहले हमने क्या करना है, पेरेंट चेन को जो है वो सिलेक्ट करनी होती है, पेरेंट चेन वो वाली होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्या होता है आपके पास, सेकेंड होता है कि हम जो है वो नंबरिंग देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पेरेंट चेन जो है वो प्रेजेंट होती है तो वो वाली पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट होते हैं।
थर्ड नंबरिंग देनी होती है, नंबरिंग इस तरह से देनी है दैट द कार्बन कंटेनिंग सब्सट्रेट विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। और अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं तो सेटअप लोकेट देना होता है, फिर साइड बाय साइड जो है उनको कंपेयर करके जो है देखना होता है, जो लोवेस्ट नंबर होता है वही नंबरिंग क्या होती है वो करेक्ट होती है। फिर अगर आपके पास जो सब्सट्रेट होता है और उसका जो लोकेट होता है वो लिखना होता है, उसके बाद दोनों के बीच में क्या डालना होता है, हाइफन डालना होता है। अगर एक से ज्यादा सब्सटेंट प्रेजेंट होते हैं तो उनके लोकेंड को हम जो है वो कॉमा से जो है वो सेपरेट करते हैं। फिर अगर आपके पास सिमिलर टाइप के एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो डाइट्राई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके पास यहाँ से चलने पे भी सेम सेटअप लोकेंड आते हैं, यहाँ से चलने पे भी सेम सेटअप लोकेंड आते हैं, तो उस केस में अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको जो लोवेस्ट लोकेंड जिस वाली नंबरिंग से जो है वो मिल रहा है वो वाली नंबरिंग क्या होती है वो करेक्ट होती है। और लास्ट पे कॉम्प्लेक्स कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप जो है वो खुद ट्राई करें। बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएंगी, इसमें ये वाली एग्जाम्पल जो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो चार कार्बोनेट वाली आ रही है, C2H5 को कैसे लिख सकते हो CH2CH3, इसको भी ऐसे लिख सकते हो CH2CH3। अब देखो 1, 2, 3, 4 चार कार्बोनेट वाली, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कार्बोनेट वाली, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बोनेट वाली। तो ये होगी आपके पास पेरेंट चेन, पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई। अब क्या देना होता है नंबर, यहाँ से देंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 लोकेट क्या क्या आ रहा है आपके पास, 3 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है, दैट इज 3, 4। यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहाँ से भी जो है 3, 4 ही आपको आएगा। इसका मतलब यहाँ से दे दो या फिर यहाँ से दे दो, आपकी अपनी चॉइस। पेरेंट चेन भी सिलेक्ट हो गई, आपने लोकेट भी दे दिया, अब आपका क्या आएगा नाम आएगा। नाम में सबसे पहले क्या आता है, सब्सट्रेट आता है। सब्सट्रेट क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एक मिथाइल है, ये दूसरा वाला मिथाइल है, कौन सी पोजीशन पे है, 3 और 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर एक हाइफन लगाएंगे, फिर 2 के लिए क्या आता है सिमिलर है तो हम लिखेंगे 2, 3, 4 डायमिथाइल। ये सब्सट्रेट के नाम आ गया। सब्सट्रेट के नाम के बाद क्या आता है बॉन्ड रूट। 6 कार्बोनेट वाली जो चेन होती है उसके लिए हम जो है वो हेक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन है, एन है या फिर आइन है, इस केस में आपका क्या है ये क्योंकि हम सैचुरेटेड की ये बात कर रहे हैं, तो इसका नाम आएगा 3, 4 डायमिथाइल। वैसे आप इसको ट्राई करोगे, इसको ट्राई करोगे, आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत सारी एग्जाम्पल होंगी, उन सबको इग्नोर से जो है वो ट्राई करने की कोशिश।